150 खबरें। बाढ़ के बेलछी प्रखंड में सात निश्चय योजना का कई पंचायतों में बुरा हाल है। लोकसभा चुनाव आने के बाद स्थानीय पदाधिकारी चुनाव कार्य में उलझ जाने के चलते इलाके के विकास कार्य में जमकर धांधली का खेल शुरू हो गया है। पंडारक प्रखंड के पंडारक पश्चिमी पंचायत अंतर्गत गंगा नदी के किनारे राम जानकी ठाकुर बाड़ी का हाल बेहाल है। बढ़ती उत्तरवाहिनी गंगा नदी उमानाथ के धाम सती स्थान में हर दिन सैकड़ों क्विंटल लकड़ी से शव को जलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के जलापूर्ति पीएचडी विभाग ने करोड़ों की लागत से घर घर नल का जल कार्य किया गया, लेकिन फिर भी कई जगहों पर अभी भी पाइप फट गए हैं। पंडारक प्रखंड के सुदूर टाल इलाके के भदौर पंचायत में जन वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। लोगों को कई महीनों से अनाज नहीं मिला है। बेलछी प्रखंड के मुर्तजापुर गांव में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन रंग रोगन करने के बाद सज धज कर तैयार है, लेकिन फिर अभी तक वहां से सरकारी कार्य संपादित नहीं हो रहा है। अतमलगोला प्रखंड के कल्याणपुर गांव में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर खुली संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाढ़ के अगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिकों की तरफ से किसानों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। एनटीपीसी थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर पंडारा का हाल बुरा है। शिक्षक की मौजूदगी में बच्चे दीवार पर खतरनाक स्टंट करते हैं और शिक्षक कुछ नहीं करते। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आज भी बाढ़ के मलाही गांव में शादी के बाद दुल्हन को डोली में बैठाकर घर पहुंचाया जाता है। नालंदा में बिंद प्रखंड के लोदीपुर गांव में दरवाजे पर ट्रैक्टर लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मारपीट में दोनों पक्षों में 14 लोग घायल हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। नालंदा में बिहार थाना पुलिस ने शराब के नशे में हुड़दंग करते हुए 9 शराबियों को गिरफ्तार किया है। राजगीर थाना इलाके के बौद्ध नगर में महिला के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर सिलाव दक्षिणी के जिला परिषद सदस्य सत्येंद्र पासवान के घर पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। नालंदा जिले के खुदागंज पुलिस ने लूट के सामान के साथ पुलिस ने तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में ससुराल आए पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और ससुराल से फरार हो गए। मृतका के परिजन ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए परवलपुर थाना क्षेत्र के धनावा गांव निवासी अनिल केवट के पुत्र गुड्डू केवट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बेन थाना इलाके के वासोडीह गांव में खून की होली खेली गई। होलिका दहन के विवाद में महिला की हत्या के प्रतिशोध में दूसरे पक्ष के लोगों ने एक बुजुर्ग की पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इलसा प्रखंड बिहारी रोड के अंबेडकर नगर में बिहार दिवस के मौके पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। मूरसराय प्रखंड के ककड़िया मध्य विद्यालय में बिहार दिवस के मौके पर जिले में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिले के अंतर्गत आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाओं में जमीन संबंधी समस्या को लेकर समीक्षा बैठक की गई। मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र में दबंगों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की, जिसे लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मधुबनी में बीजेपी के टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वंशवाद को लेकर नाराजगी जाहिर की और नारेबाजी की। जयनगर में ट्रक से गुजरकर बाइक चालक की मौत, लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मधुबनी में बिहार दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम एसके अशोक ने किया। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सैनी टोला चौक के पास से एक पिकअप पर लदी सरकारी चावल को जब्त किया गया। चावल जब्त करने का प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर कालाबाजारी की नीयत से चावल बिक्री का मामला दर्ज किया गया। सहरसा में बीते दिनों हुए डेंटिस्ट डॉक्टर किशोर कुमार भास्कर की हत्या के विरोध में आईएमए के डॉक्टर गोलबंद हुए। आईएमए के डॉक्टर ने सदर अस्पताल में बैठक की। बिहार दिवस के अवसर पर सहरसा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पुलिस लाइन मैदान में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र के बहला पट्टी वार्ड नंबर 5 में दबंगों ने एक ऑटो चालक और उसके परिवार को जबरन घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट के बाद परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। सहरसा जिले के सोनवरसराज थाना क्षेत्र के रजवाड़ा वार्ड नंबर 5 में एक तालाब से युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सहरसा के बलवाहाट ओपी पुलिस ने एक ऑल्टो कार से 21 कार्टन नगदी शराब बरामद की है।
मुदलिया थाना ने 5 शराबियों और कारोबारियों को जेल भेजा है। क्षेत्र में कारोबारियों में पुलिस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर बेतिया एसपी ने कई थानों को निरीक्षण किया और चुनाव को लेकर सभी थानों को दिशा निर्देश दिए। नरकटियागंज में नाबालिग बच्चे की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जिसके बाद जीआरपी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेतिया में राजदेवड़ी में आग लगने से 2 दर्जन दुकान और 4 घर जलकर राख हो गए। एक बच्चे की झुलसकर मौत हुई। बेतिया के लौरिया में टेम्पो पलटने से 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सीतामढ़ी में रून्नी सैदपुर प्रखंड के हिरदोपट्टी गांव के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां 1.5 वर्ष से बिजली नहीं है। लगे बिजली का पोल तो गाड़ दिया गया, लेकिन शिकायत के बावजूद भी विभाग मामले की अनदेखी कर रहा है। बाजपट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल है। यहां दवा की घोर किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। उपरी नगर पंचायत के मुख्य सड़क पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, जिससे लेकर हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। बतना प्रखंड में कमलदा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 97 में भारी अनियमितता देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेविका नियमित रूप से केंद्र का संचालन नहीं कर रही है। बगाई प्रखंड के नौकी बाजार में जल मीनार तो बन गई है, लेकिन अभी तक जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। बगादो प्रखंड के नरवल बोरवल निवासी भारतीय मूल के कारोबारी प्रमोद चौरसिया ने केन्या के नैरोबी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। बगादो प्रखंड के वाल्मीकि नगर भेड़ी हारी जंगल में इन दिनों बड़े पैमाने पर लकड़ियों की तस्करी हो रही है, जिसने वन विभाग को परेशान कर रखा है। बगादो प्रखंड के मंझरिया महुअर सरे के पास सेमरा रोड में एक जंगली नील गाय को अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर जख्मी कर दिया। बगादो प्रखंड के सिरसिया और मंझरिया सरे में किसानों के खेतों में लगे फसलों को नील गाय नुकसान पहुंचा रही, जिससे किसान बेहद परेशान है। फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों ने वन विभाग पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाया है और रोकथाम की मांग की है। समस्तीपुर में मुसरी घरारी चौराहे पर पिकअप और स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो पर सवार 8 दर्जन लोग जख्मी हो गए। ट्रक दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद NH 28 पर कुछ देर के लिए जाम के हालात बने रहे। सरायरंजन प्रखंड मुख्यालय के CDPO कार्यालय पर पोषण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्तीपुर ओछड़ा पथ पर सिंघिया घाट पुल के पास 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। समस्तीपुर में बिहार दिवस के मौके पर पटेल मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन DM चंद्रशेखर सिंह ने किया। समस्तीपुर के रोचड़ा थाना क्षेत्र खैरा दरगाह में बाबा खास के मजार पर इस बार भी उर्स मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। 3 दिवसीय मेले के पहले दिन अहले सुबह से ही बाबा खास के मजार पर चादर पोशी के लिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरभंगा में बेनीपुर प्रखंड के बहेड़ा बाजार में सुबह जमकर रोडबाजी हुई, जिसमें महेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। कमतौल के प्रसिद्ध श्यामा धाम मधुपुर में रात में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रात में क्रिकेट मैच का यह आयोजन पिछले 20 वर्षों से हो रहा है। केवटी के CHC प्रांगण में MOIC डॉक्टर निर्मल कुमार लाल के देखरेख में कैंडल जलाकर बिहार दिवस मनाया गया। दरभंगा के मध्य विद्यालय मथुरापुर कबीरचक में प्रधानाध्यापिका नीता देवी ने बिहार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। मणिपुर के कई स्कूलों में छात्र छात्राओं के बीच पेंटिंग, गीत, भाषण और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केवटी प्रखंड के रयाम थानाध्यक्ष नितेश कुमार चौधरी ने शराब के संग पकड़े गए 2 शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में नाराज नर्सों ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का घेराव कर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर बोचहा प्रखंड इलाके में NH पर एक बोलेरो ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के बंदरा में PR थाने के होमगार्ड जवान ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद थाने के कर्मियों ने गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मुजफ्फरपुर औराई प्रखंड इलाके के रामपुर गांव में पत्रकार के भाई की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर औराई प्रखंड इलाके में आपसे विवाद में हुई मारपीट में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल है। मुजफ्फरपुर मुशहरी प्रखंड इलाके में रेप कांड मामले में पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है।
मुजफ्फरपुर बंदरा प्रखंड के रामपुर महीनाथ गांव में बूढ़ी गंडक नदी से एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड इलाके में सड़क दुर्घटना में घायल के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सिवान में सिसवन प्रखंड थाने के प्रखंड थाने के भगवानपुर गांव में छापेमारी कर फरार वारंटी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया। मरवा पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने अंग्रेजी शराब बरामद की है। नरौंदा प्रखंड के रानीबाड़ी गांव में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। सिसवन के ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के पोखरे में लगी तलगुम्बी को लोगों ने मिलकर साफ किया। सिसवन ताजपुर रोड पर मोटरसाइकिल की चपेट में आ जाने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला के इलाज के लिए सिसवन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी में फेनहारा प्रखंड के रुपौलिया पंचायत के फुलवरिया गांव के ग्रामीणों में लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कोटवा प्रखंड के पोखरा गांव में अचानक लगी आग में दर्जनों घर जलकर राख हो गए। आग कैसे लगी अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जरे मनसाई के भेड़माला पंचायत के कजवारा संथाली गांव में समाजसेवी भोला शाह और पंचायत सदस्य दीपा देवी के सौजन्य से 42 जोड़ों की शादी कराई गई। मनसाई प्रखंड में साहेब नगर पंचायत के मिरकाहा गांव में सरकारी जमीन पर एक दबंग ने कब्जा कर रखा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में हरिनाम संकीर्तन आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ठाकुरगंज में कलकतिया फॉर्म का काली मंदिर लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। मां काली के दर्शन के लिए नेपाल से लेकर पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। किशनगंज के गलगलिया बॉर्डर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान हो रहा है। प्रतिमा पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, फिर भी कोई पहल नहीं की जा रही। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा को देखते हुए दिघल बैंक बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर से होकर गुजरने वाले हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। किशनगंज के सिम्मलबाड़ी गांव के पास पुल निर्माण कर रहे ठेकेदार की मनमानी से स्थानीय लोग परेशान हैं। ठेकेदार पुल निर्माण में सुस्त रवैया अपना रहा है। विक्रमगढ़ तालाब के बदूरी गांव में पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिससे परिजनों ने विक्रम पीएचसी में भर्ती कराया। विक्रम थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे विक्रम पीएचसी में भर्ती कराया गया। खिरीमोड़ थाने के बेदौली इमामगंज हाई स्कूल के पास आक्रोशित ग्रामीणों ने अरवल जहानाबाद मुख्य पथ को जाम कर दिया। होली के दौरान विक्रम और रानी तालाब थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। भरण बाजार बीआरसी में समुदाय प्रतिनिधि प्रशिक्षकों और शिक्षकों ने बिहार दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया। विक्रम थाने के दनारा पासवान टोला के नजदीक गाड़ी का हॉर्न बजाने पर कुछ मनचलों ने गाड़ी सवार एक महिला सहित 5 लोगों की पिटाई कर दी। छपरा सदर प्रखंड के लोहड़ा गांव निवासी सीआरपीएफ 160वीं बटालियन में तैनात 35 वर्षीय सैनिक मनोज कुमार राम का शव गांव में पहुंचते ही कोहराम मच गया। छपरा में गौरा ओपी क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची को लावारिस हालत में घूमते देख ग्रामीणों ने उसे थाने को सौंप दिया। फरबिसगंज में बथनाहा में एसडीपीओ और डीएसपी की मौजूदगी में शराब नष्ट की गई। फरबिसगंज के पाई वर्ल्ड क्लास में देश सेवा को लेकर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 4 लड़कियों और 1 लड़के को सम्मानित किया गया। फरबिसगंज के कुशमाहा में एसएसबी 56वीं वाहिनी ने 148 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। फरबिसगंज स्टेशन से डीएमयू ट्रेन में डब्बों की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। भीड़ की वजह से यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करने पर मजबूर है। फरबिसगंज के जोगबनी से सटे विराटनगर में 5 दिवसीय धार्मिक महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बीरपुर लोहरा में एक प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रुपौली प्रखंड में आलू के किसान बदहाली से के दौर से गुजर रहे हैं। किसानों को बाजार में सही दाम नहीं मिल रहा है। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सदर थाना क्षेत्र के रामबाग में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बक्सर के सोनवर्षा ओपी के करसर गांव के बहियार में 2 लोगों का शव मिलने से कोहराम मच गया। मृतकों की पहचान पूनम और संतोष के रूप में हुई।
नवादा में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को जलाकर मार डाला। नवादा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, वालसिलीगंज रैक प्वाइंट के पास मालगाड़ी शंटिंग के दौरान बफर को तोड़कर पटरी से नीचे जा गिरी। इस हादसे में मालगाड़ी का एक डिब्बा, पिछला डिब्बा पूरी तरह से पटरी से उतर गया। बांका के बेलहर प्रखंड के निमिया गांव के नयासी टोला में आग लगने से 70 घर जलकर राख हो गए। अग्नि पीड़ित लोगों ने आज बेलहर बांका मुख्य मार्ग को मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। बांका जिले में आग लगने से 70 घर जलकर राख हो गए। अग्नि पीड़ितों ने बेलहर बांका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। औरंगाबाद के दाऊद नगर में सोन नहर में 5 बच्चों की डूबकर मौत होने के मामले में परिजनों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। औरंगाबाद में भी बिहार दिवस की धूम है। इस मौके पर महाराणा प्रताप चौक से संग्रहालय गेट तक बिहार दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे डीएम राहुल रंजन महिवाल और एसपी राजेश वर्णवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। त्रिपुरा में आपसी विवाद में फायरिंग हुई। मांझी थाना क्षेत्र में होली को लेकर विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों को गोली लग गई। खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र के बरियाही गांव में होली के जश्न के दौरान डीजे पर डांस के समय फायरिंग में गोली लगने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों की माने तो गांव में होली के दौरान कुछ लड़के डीजे पर नाच रहे थे। धनबाद के शकुराबाद थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव के बधार में रणधीर कुमार नामक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद होली का उल्लास देखते देखते मातम में बदल गया। लखीसराय में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी मनोज कुमार को दिन दहाड़े गोली मारकर गुरुतर जख्मी कर दिया। अररिया संग्रहालय परिसर के से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। डीएम वैद्यनाथ यादव ने हरिजन दिखाकर रवाना किया। साहिबगंज में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज में एक घर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 228 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। साहिबगंज के नगोरिया गांव में अचानक पानी की टंकी का पाइप लीक होने से हजारों लीटर पानी बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पीएचडी विभाग ने पानी बंद किया। साहिबगंज के कोटाल पोखर में एक हाइवा के धक्के से बिजली का तार टूट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाइवा के चालक को बंधक बनाया। साहिबगंज के कोटर जन्ना और 3 पहाड़ में होली खेलने के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसे पुलिस ने शांत कराया। साहिबगंज में होली के मौके पर मूक बधिर विद्यालय में निःशक्त बच्चों ने भी जमकर होली खेली। साहिबगंज में एसडीओ पंकज कुमार ने मिर्जा चौकी के रेलवे साइडिंग में संचालित क्रशर की जांच की और कागजात नहीं दिखाने पर क्रशर को सील कर दिया। देवगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं में निशिकांत दुबे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए रणनीति तय हुई। देवगढ़ के सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह के नेतृत्व में कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। देवघर में जीवीएम लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव ने संयुक्त रूप से गठबंधन के नेताओं के साथ चुनाव प्रचार किया और सभा को संबोधित किया। देवघर में सुभाष चौक पर स्वीट देवघर की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें दिव्यांग लोगों ने पर्चा बांटकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। देवघर के जैसी धूम में सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और साथ ही कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराया। पाकुड़ जिले के घाटचोरा गांव में खाना बनाने के दौरान एक महिला ने साड़ी ने आग पकड़ ली, जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई। पाकुड़ जिले के आरईओ पथ पर एक शिक्षक का शव पड़ा मिला। पाकुड़ जिले के गुस्साईपुर गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्व मुखिया मदन गौड़ ने फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पाकुड़ जिले के सीतागढ़ गांव में छापेमारी कर पुलिस ने अवैध तरीके से ले जाए जा रहे 46 मवेशी को पकड़ा है। पलामू में होली पर्व को लेकर मिशन की समृद्धि की संचालिका शिला श्रीवास्तव और उनकी टीम ने गरीबों के बीच पकवान वितरित किया। पलामू जिले के जमडीहा गांव में नारायण महतो ने घर में लगी आग लगने से लाखों रूपये की संपत्ति का नुकसान। पलामू में 70 वर्षीय सुशीला देवी के निधन पर परिवार से समाज सेवी डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने मुलाकात की और संवेदना दी। पलामू में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। अभियान के दौरान छोटी बड़े वाहनों को ही जांच की जा रही है। गढ़वा जिले में तेज रफ्तार की वजह से 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटना की वजह शराब पीना बताया जा रहा है। गढ़वा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मुख्य सड़क की पीसीसी में विस्फोट। गढ़वा जिले में मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में झारखंड का नेतृत्व कर वापस लौटी क्षमा श्रीवास्तव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मेराल में आम चुनाव के मद्देनजर NH-75 पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कांडी प्रखंड के राजा घटुआ गांव में स्टार क्रिकेट तालाब की क्लब की ओर से
क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया। गढ़वा के कांडी में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने मोटरसाइकिल से गश्ती अभियान चलाया। झारखंड में सेना भर्ती 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। संथाल परगना के दुमका जिले में न्यू फुटबॉल मैदान कुमार दुधानी ने जवानों की बहाली की। इस दौरान देश की सेवा के लिए करीब 1,500 जवान बहाल किए जाएंगे। सेना ने कर्नल दीपक कुमार दयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी। गुड्डा में गुस्से में महिला ने किरासन तेल डालकर आग लगा ली। महिला 85% जल गई है। हालत गंभीर बनी हुई है। पंचायत के उर्दा टिकर गांव के मामला। जमशेदपुर में हाथी का आतंक छाया हुआ है। हाथियों ने जिला परिषद के घर हमला बोल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दलम फॉरेस्ट से सटे डिमना स्थित जिला पार्षद पिंटू दत्त के घर में एक हाथी अचानक घुस आया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने में नहाने के दौरान होली के दिन डूबे 3 किशोरों में से 1 के शव को पुलिस ने बरामद कर ले। काफी मशक्कत के बाद शव बरामद किए गए। रामगढ़ में तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा गिद्दी नए मोड़ हाथ के पास हुआ। हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के झुरझुरी गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। युवक ने जहर खाया, युवती ने फांसी लगाई है। सरायकेला में खरकई नदी में डूबे 5 लोगों में से 3 के शव बरामद कर लिए गए, जबकि 2 शवों की तलाश जारी है। खरकई नदी के तेज बहाव ने कई परिवारों के लिए होली की खुशी मातम में बदल दी। गुमला जिले के तुरंदू गांव में 2 लोगों की पीएलएफआई उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला जिले के कामदारा थाना क्षेत्र के तुरंदू गांव में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 वनविभागीय सदस्यों ने हत्या किए जाने की आरंभिक जानकारी पीएलएफआई उग्रवादियों के द्वारा घटना किए जाने की सूचना है। इन खबरों के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीबीआई झारखंड पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।